वेलकम टू दी फार्मेसी इंडिया। सो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे और शुरुआत करेंगे एक नई सीरीज के बारे में जिसका नाम है वन शॉट। वन शॉट एक ऐसी सीरीज जिसमें हर टॉपिक का संपूर्ण निचोड़ होने वाला है, जो कि आपके जीपैट, नाइपर, फार्मासिस्ट और ड्रग इंस्पेक्टर और अदर फार्मा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें पूरे टॉपिक का इंपॉर्टेंट ओवरव्यू यहां पर हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन से एग्जाम्स में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो भी बात करेंगे, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग ही डिजाइन किया गया है। सो अगर आपको सारे वन शॉट वीडियोस चाहिए, अगर आपने अभी तक फार्मेसी इंडिया डाउनलोड नहीं किया तो उसको डाउनलोड कर ले, वहां पर आपको सारे वन शॉट एक ही कलेक्शन में मिल जाएंगे। सो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। पहली हमारा टॉपिक होने वाला है कैप्सूल। सो यहां पर अब कैप्सूल के बारे में हम सारी चीजें जानेंगे, कैप्सूल क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, किस चीज से बना होता है, जो चीज बनी जिस चीज से बना होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है कि आखिरकार कैप्सूल क्या होता है। देखिए, आपने सुना है कि कैप्सूल एक सॉलिड डोजेज फॉर्म है। जी हाँ सर, सॉलिड तो है, उसके अंदर पाउडर फिल होता है, ड्रग फिल होती है, तो मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं दैट कैप्सूल इज अ सॉलिड डोजेज फॉर्म इन विच द ड्रग सब्सटेंस इज एनक्लोज्ड। एनक्लोज्ड कैसे, इस तरीके का कैप्सूल आपने देखा होगा, इस तरीके का, इसके अंदर पाउडर रहता है और एनक्लोज का मतलब बंद रहता है और ये जिलेटिन से बना होता है, याद रखिएगा। एनक्लोज विद इन इधर हार्ड और सॉफ्ट सोल्यूबल शेल। अब हार्ड और सॉफ्ट सोल्यूबल शेल से आपका क्या तात्पर्य है, हार्ड होगी तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होगा, सॉफ्ट होगा तो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होगा। अब इसी को डिफाइन करते हुए हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ कैप्सूल की बात करें, हमारा पहला कैप्सूल होता है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। आपने वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स का कैप्सूल देखा होगा जिसमें एक बॉडी होती है और कैप होती है, इसके अंदर पाउडर रहता है, इसी टू पीस को बोला गया हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। अब सिंपल सी बात, डिसइंटीग्रेशन जो समय है वो है 30 मिनट, मतलब ये 30 मिनट में डिसइंटीग्रेट हो जाता है। अगर आपने टैबलेट का वन शॉट नहीं देखा तो वहां पर समझ में आ जाएगा ना। अभी किस किस चीज से बना होता है, जिलेटिन रहता है, शुगर रहता है और वाटर रहता है, और इसके अंदर हम ड्राई पाउडर को फिल करते हैं, या आप पिक्चर में देख सकते हैं, इस तरीके का हमारा हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, 30 मिनट डिसइंटीग्रेशन। वहीं पर अगर मैं बात करूं, आपने देखा होगा सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, सिंगल सील रहते हैं, इसमें कोई बॉडी नहीं रहता, कोई कैप नहीं रहता। एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, पोदीन हरा का कैप्सूल आपने देखा ना, पोदीन हरा के कैप्सूल में लिक्विड फिल रहता है, यस। तो सिंपल सी बात को समझिएगा, डिसइंटीग्रेशन समय 60 मिनट, मतलब ये डिसइंटीग्रेट होता है 60 मिनट में। और इसके अंदर एक खास बात, इसके अंदर हम प्लास्टिसाइजर यूज करते हैं, प्लास्टिसाइजर ही इसको इलास्टिसिटी देता है। आपने देखा होगा कि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल को अगर आप प्रेस भी करोगे तो फूटेगा नहीं, फटेगा नहीं, क्यों, वो इलास्टिसिटी है उसकी शेल की, वो किसकी वजह से आ रही है, प्लास्टिसाइजर की वजह से आ रही है। सो इसके अंदर हम लिक्विड फिल कर सकते हैं, लिक्विड आपने देखा होगा, याद रखिएगा। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात कि हम लिक्विड किससे फिल कर सकते हैं, एक मशीन है, एक अपरेटस है, क्वालिसील, उस टेक्निक से हम लिक्विड फिल करते हैं। अब यहां पर एक वर्ड है जिलेटिन, जिलेटिन के बारे में हम अगर पढ़े तो यहां पर सिंपल सी बात है, हमने अभी पढ़ा हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। अब कॉमन क्या है, जिलेटिन है ना, जिलेटिन कॉमन है, तो अब इस जिलेटिन के बारे में जानेंगे। देखिए जिलेटिन क्या है, जिलेटिन हमारा एनिमल कॉलेजन से मिल सकता है, हमारा स्किन से मिल सकता है, बोन्स, वाइट कनेक्टिव टिश्यू, वहां से हमें मिलता है। अब ये देखिएगा हमारे कितने टाइप्स का जिलेटिन होता है, याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में, 2018 में। देखिए दो तरह का जिलेटिन होता है, एक होता है टाइप ए और टाइप बी, अकॉर्डिंग टू द नेचर उनको डिवाइड कर दिया गया। टाइप ए को हमने बोला फार्मा जेल ए, जिसको, और टाइप बी को हमने बोला फार्मा जेल बी। सो टाइप ए का जो नेचर है वो है कैटायनिक, ठीक है, और टाइप बी का वहीं पर है एनायनिक। अब इंपॉर्टेंट, ये हमें एसिडिक ट्रीटमेंट से मिलता है, ये एल्कली ट्रीटमेंट से। तीसरी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, जो टाइप ए जिलेटिन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है वो है pH 9, ठीक है। कि सर ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ये वो पॉइंट होता है जहां पर हमारे मॉलिक्यूल के पास कोई चार्ज ना हो, नो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो मतलब टाइप ए के पास पीएच 9 पर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं रहता, वहीं पर टाइप बी में पीएच 4.7 रहता है, ठीक है। नेक्स्ट बात, अब अगर हम एसिड बोन जिलेटिन से प्रोसेस करके टाइप ए जिलेटिन बनाते हैं तो उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 5.5 से 6 होता है,
और टाइप भी हमें ग्रीन बोन से मिलता है। क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि ग्रीन बोन्स किससे एसोसिएट है, तो टाइप भी जिलेटिन। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं ब्लूम और जेल स्ट्रेंथ। देखिए ब्लूम और जेल स्ट्रेंथ, अगेन ये जिलेटिन के बारे में यहां पर डिस्कशन हो रहा है। अब यहां पर जो जिलेटिन है, जिलेटिन आपकी बात करूंगा, अब जिलेटिन में सेम मॉलिक्यूल्स है, सिंपल सी बात है, जिलेटिन के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स। तो जो जिलेटिन स्ट्रेंथ या ब्लूम स्ट्रेंथ को बोला गया, तो ये क्या करता है, ये कोहेसिव स्ट्रेंथ मेजर करता है। किसकी, जिलेटिन की, कि हमारा जो जिलेटिन मॉलिक्यूल से आपस में कितने अच्छे से जुड़े हुए हैं, कितना अच्छा उनमें प्यार है, कितना अच्छा उनमें बॉन्डिंग है। तो यहां पर बोला गया मेजर द कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉस लिंकिंग बिटवीन जिलेटिन मॉलिक्यूल। क्रॉस लिंक कोहेसिव का मतलब कोहेसिव जहां पर भी वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब दो सेम मॉलिक्यूल्स हैं, और अगर एडहेसिव आ रहा है तो वहां पर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, याद रखिएगा यहां पर ब्लूम स्ट्रेंथ हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर वेट के। एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, मतलब जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट उतनी ज्यादा ब्लूम स्ट्रेंथ, और उतनी अच्छी फिजिकल स्टेबिलिटी भी होती है, ये याद रखिएगा। फिजिकल स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है और कॉस्ट भी बढ़ जाती है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आखिरकार आप इसकी आइडियल वैल्यू कितनी होती है, कितनी ब्लूम स्ट्रेंथ होती है, और इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं, किन किन कंडीशन में डिटरमाइन करते हैं, ये पूछा जा सकता है। तो अब यहां पर सिंपल सी बात है, मैं आपको इसको पढ़कर नहीं बताऊंगा, यहां पर एक केस में आपको बता देता हूं। ये आपके पास एक बीकर है और ये आपके पास एक वेट है, इसके अंदर वेट होगा। ठीक है, अब मैंने इसको एक प्लास्टिक प्लंजर से यहां पर कनेक्ट कर दिया और इसके अंदर मैंने यहां पर जिलेटिन डाल दी। ठीक है, जिलेटिन है जिसकी कंसंट्रेशन 6.66 है, इसको आप 6.66 कर दीजिएगा। ठीक है, और ये हमारा मेनली 17 घंटे के लिए रखा जा रहा है, 10 डिग्री सेल्सियस पर ये जिलेटिन की कंडीशन है। ठीक है, तो अब ये बोला गया कि हम ब्लूम स्ट्रेंथ को मेजर कैसे करेंगे। ब्लूम स्ट्रेंथ को ऐसे मेजर करेंगे कि मुझे यहां पर कितना वेट चाहिए इस प्लास्टिक प्लंजर को मेली 0.5 इंच डायमीटर में और 4 mm नीचे पहुंचाने में कितना वेट हमें यहां पर रिक्वायर्ड है, उससे हमें ब्लूम स्ट्रेंथ पता लग जाएगी। और आइडियल जो ब्लूम स्ट्रेंथ है वो 150 से 250 ग्राम होती है, मतलब 150 to 250 अगर ग्राम वेट है यहां पर, तो हमारा प्लास्टिक प्लंजर इस तरीके से मूव कर जाएगा। आपको क्या क्या याद रखना है, 6.66% कंसंट्रेशन, 17 घंटे, 10 डिग्री सेल्सियस, और कितने डायमीटर और कितने इंचेस को मूव कराना है। ठीक है, नाउ अब यहां पर एक और बात, विस्कोसिटी। अब यहां पर जिलेटिन की बात हो रही है, उसकी कोहेसिविटी की बात हो गई, अब उसकी विस्कोसिटी भी तो बात होगी कि उसकी विस्कोसिटी कैसी है, पानी हनी, तो कहीं ना कहीं किसका डिफरेंस है, विस्कोसिटी भी तो कहीं ना कहीं डिफर करेगी। तो विस्कोसिटी किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे, विस्कोसिटी डिटरमाइन करेंगे और 6% कंसंट्रेशन ऑफ जिलेटिन एट 60 डिग्री सेल्सियस, वहीं पर आइडियल जो वैल्यू है विस्कोसिटी की वो 25 से 45 मिली पॉइज होती है हमारी, किसकी, कैप्सूल की, याद रखिएगा। आगे मैं बात करता हूं नेक्स्ट आयरन। हमारी जिलेटिन में आयरन भी पाया जाता है जिसकी क्वांटिटी कितनी बोली गई, मेनली शुड नॉट कंटेन मोर देन 15 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए जिलेटिन में, याद रखिएगा। जिलेटिन के केस में 15 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ppm इज योर पार्ट्स पर मिलियन। उसी के बाद मैं बात करता हूं प्लास्टिसाइजर। अब प्लास्टिसाइजर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लास्टिसाइजर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हार्ड जिलेटिन में भी डलता है पर सॉफ्ट जिलेटिन में ज्यादा डलता है, याद रखिएगा, तभी तो वो इलास्टिसिटी शो करता है। तो प्लास्टिसाइजर का जो फॉर्मूला है, हम कैप्सूल की हार्डनेस कैसे डिटरमाइन करेंगे, वेट ऑफ ड्राई प्लास्टिसाइजर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ड्राई जिलेटिन। अब यहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुझे अगर हार्ड कैप्सूल बनाना है तो कितना प्लास्टिसाइजर यूज करूं, अगर सॉफ्ट बनाना है तो कितना, तो यहां पर आपको क्या दे दिया, एक टेबल दे दिया। ठीक है, इतनी रेशो में आप यूज कर सकते हैं ड्राइग्लिसरीन प्लास्टिसाइजर, मतलब अगर 0.4 ले रहे हैं तो हार्ड मिलेगा, अगर 0.6 ले रहे हैं तो मीडियम मिलेगा। अगर प्लास्टिसाइजर भी देखो, प्लास्टिसाइजर की क्वांटिटी बढ़ाते चले गए तो उस तरीके से हमें सॉफ्ट भी मिला, ये क्लियर है। ठीक है, यूसेज कि हम कहां कहां पर इन कैप्सूल्स को यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट होता है कि क्या रेशो होनी चाहिए, या ग्लिसरीन और प्लास्टिसाइजर का हार्ड के लिए कितना रेशो होना चाहिए, ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। उसी के बाद मैं बात करता हूं पॉइंट्स टू रिमेंबर की, कौन कौन से पॉइंट्स अब हमें यहां पर याद रखने हैं कैप्सूल के इंट्रोडक्शन से। सबसे पहला
फॉर्मेलिन ट्रीटमेंट क्या होता है। देखिए फॉर्मेलिन ट्रीटमेंट हमारा जो जिलेटिन की सॉल्युबिलिटी है उसको डिक्रीज कर देता है, उसको डिक्रीज कर देता है, याद रखिएगा। और 40% फॉर्मेल्डिहाइड को ही फॉर्मेलिन बोला जाता है, एक चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट है रोटोफिल। रोटोफिल एक ऐसा डिवाइस, नाम में ही आ रहा है फिल, तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, पैलेट्स को फिल करने के लिए यूज किया जा रहा है, पैलेट्स को फिल करने के लिए। रोटोसोर्ट, सोर्ट मतलब सोर्टिंग डिवाइस, छांट रहा है मतलब फॉर रिमूविंग द लूज पाउडर। उसी के बाद एम्प्टिंग कैप्सूल मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है, 12-16% तक होता है। ह्यूमिडिटी रेंज होती है 30-40%। ये हमारे पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। अब अगर मैं आ जाऊं पॉइंट वाइज, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल क्या होता है, सिंपल सी बात है। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में मैंने बोला एक बॉडी होती है और एक कैप होती है, कैप इस तरीके से, बॉडी इस तरीके से, ठीक है, याद रखिएगा ये आपका रहता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात समझाने की, अगर आपके पास एफ्लोरेसेंट मटेरियल है और आपको कैप्सूल के अंदर फिल करना है, तो एफ्लोरेसेंट मटेरियल अगर होगा तो वो कैप्सूल सेल को ना सॉफ्ट कर देगा, इसकी सेल को सॉफ्ट कर देगा, याद रखिएगा। एफ्लोरेसेंट मटेरियल के केस में सॉफ्ट हो जा रहा है और डेलिक्वेसेंट पाउडर के केस में ये ब्रिटल हो जाएगा, एक्सेस ब्रिटलनेस आ जाएगी, टूट जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में आप अगर एफ्लोरेसेंट मटेरियल डाल रहे हो तो क्या होगा, सॉफ्ट हो जाएगा, हाँ डेलिक्वेसेंट डालोगे तो हार्ड हो जाएगा। ये क्लियर हो गया है। आगे मैं बात करता हूं मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एम्प्टी जिलेटिन कैप्सूल। अभी जो ये कैप्सूल है, अब देखिए मैंने बोला था कि किससे बना है, बॉडी और कैप से बना है, याद रखिएगा किससे बना है, बॉडी और प्लस कैप से बना है, ठीक है। तो अब बॉडी और कैप को बनाने के लिए भी हमें एक वो चाहिए, प्रोसीजर चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिप करेंगे। अब डिप किस में करेंगे, भाई जिलेटिन है, क्या करते हैं हम जब चाय से बिस्किट खाते हैं तो बिस्किट को डिप करते हैं, फिर उसको निकालते हैं, फिर खाते हैं। तो इसी तरीके से एक जिलेटिन सॉल्यूशन होता है, उसमें पिंस को डिप करते हैं। मतलब अगर 150 कैप्सूल बनाने हैं तो 300 पिन होंगी। 300 पिन क्यों होंगी, क्योंकि 150 बनाएंगी बॉडी का और 150 बनेगी कैप का, ठीक है। डिप कर दिया जिलेटिन सॉल्यूशन में, उसके बाद हमने उसको घुमाया, स्पिन किया, स्पिन करने के बाद ड्राई किया क्योंकि खांचा है। उसके बाद हमने क्या किया, स्ट्रिप किया, फिर उसके बाद हमने ट्रिमिंग किया, काटा उसको, फिर हमने उसको ज्वाइन किया, दोनों को ज्वाइन किया, और फिर लास्ट में पॉलिशिंग करके हमें ऐसा मिल गया, ठीक है। बट इसमें दो चीजें याद रखिएगा, डिपिंग की क्या कंडीशन होनी चाहिए, स्पिनिंग की क्या कंडीशन होनी चाहिए, याद रखिएगा। देखिए डिपिंग में सिंपल सी बात है, अगर 150 पेयर मतलब 300 बॉडी और कैप बन रही है, तो जो टेम्परेचर होना चाहिए 22 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए पिंस का, मतलब पिंस जिसको डिप कर रहे हैं। दूसरा जिलेटिन सॉल्यूशन का 50 डिग्री सेल्सियस और टाइम ऑफ डिपिंग आपका 12 सेकंड होना चाहिए, मतलब 12 सेकंड तक वो डिप होना चाहिए। और एक सीरीज आप इसको याद रखिए, डिपिंग, स्पिनिंग, ड्राइंग, स्ट्रिपिंग, ट्रिमिंग, आप इस सीरीज से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सीरीज कौन सी है, ठीक है। क्या पता स्पिनिंग के बाद स्ट्रिपिंग दे दें, तो ये सीरीज भी आपको याद करनी है। आगे मैं बात करता हूं सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में क्या क्या केस है। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल सीधे सी बात, प्लास्टिसाइजर की क्वांटिटी ज्यादा रहती है इन कंपैरिजन टू दी हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, याद रखिएगा। उसके बाद यहां पर मैंने अभी और दिया, बोल दिया कंपोजिशन डिफर फ्रॉम हार्ड जिलेटिन कैप्सूल इन इट्स शुगर इज रिप्लेस्ड बाय प्लास्टिसाइजर, और ये ओरल सपोजिटरी और पेडियाट्रिक्स ऑफ्थाल्मिक्स ईयर्स में यूज किए जाने वाले जिलेटिन कैप्सूल्स होते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां पर इंपॉर्टेंट कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है वो हर्मेटिकली सील रहता है, उसमें टू प्रोसेस नहीं होते, बॉडी और कैप नहीं होता, वो एक सिंगल पीस रहता है, याद रखिएगा। नाउ मैक्सिमम कैप्सूल साइज ओरली, जो ओरली लिया जा सकता है अलग अलग शेप में, सबसे पहले 20 मिनिम, ठीक है, ह्यूमन के लिए बोला गया है, 16 मिनिम ओवल शेप में बोला गया है, याद रखिएगा, और 9 मिनिम राउंड शेप में बोला गया कि ये ह्यूमन के अकॉर्डिंग कन्वीनियंट है कि इस शेप में, इस साइज में लिया जा सकता है। नाउ लास्टली पॉइंट्स टू बी रिमेंबर ऑफ कैप्सूल वन शॉट, सबसे पहला सीलिंग टेम्परेचर कितना होना चाहिए सॉफ्ट जिलेटिन का, 37-40 डिग्री सेल्सियस पे आपका कैप्सूल सील होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग टेम्परेचर इन द रेंज ऑफ 20-22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी कंट्रोल 40% तो आपका ऑपरेटिंग एरिया में और 20-30% आपका ड्राइंग एरिया में। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि आप
मेनली जो मेजरमेंट है जिलेटिन का, उसको रिकॉर्ड कैसे करोगे? प्रिम्टोमैटिक स्केल से, ठीक है। जिलेटिन को मिक्स कैसे करोगे? प्रिपरेशन को पॉनी मिक्सर से, ठीक है। फिलिंग कैसे करोगे? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप से। ड्राइंग आप इंफ्रारेड ड्राइंग के लिए यूज करोगे। और मॉइस्चर कंटेंट आपका किससे डिटरमाइन करोगे? टॉल्यूम डिस्टिलेशन एंड एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन से आप मेनली डिटरमाइन करोगे। सॉफ्ट जिलेटिन का कितना होता है वहां पर, कितना बताया था? एमटी का बताया था, एमटी में मतलब हार्ड वाला, समझ गए? सॉफ्ट का 6-10%, और वेट शेलनित जो उसकी मोटाई है वो आपका इतना थिकनेस वेरी करता है। और पीएच कितनी है पॉनी मिक्सर की? 2.5 to 7.5। सो स्टूडेंट्स, यहां पर हमने कैप्सूल को वन शॉट में निपटाया है, और मैं क्लियर करूंगा ये पॉइंट्स। आप एक बार पढ़ लेंगे, आपको कैप्सूल रिवाइज हो जाएगा, और आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है। इसी तरह की सीरीज हम लोग हर सब्जेक्ट में लेकर आने वाले हैं, टैबलेट्स, कोलोजी, कोग्नोसी, हर उसमें वन शॉट आपको मिलेगा, और इसमें आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। इसी तरह से जुड़े रहे फार्मेसी इंडिया के साथ, क्योंकि डरने की है क्या बात जब फार्मेसी इंडिया है आपके साथ। अपने दोस्तों के साथ साझा करें, और मिलतेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।